हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय मैं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हूँ। ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये पिलर इधर में भी है। तो जिन्होंने मेरा बेलेघाटा से चिंगीघाटा मोड़ वाला वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा ये बिल्डिंग क्या है। और जिनको नहीं मालूम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस समय मैं हूँ चिंगीघाटा साइड में। और ये जो मेट्रो का स्ट्रेच है, ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन, ये बेसिकली एयरपोर्ट टू न्यू खरिया वाला लाइन है। और ये आ रही है लाइन न्यू खरिया से आ रही है, बेलेघाटा स्टेशन उधर है, और यहाँ से होते हुए ये जाएगी टुवर्ड्स एयरपोर्ट। अब मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग ये दो पिलर्स के बीच में है। तो मैं यहाँ पे यही मींस मालूम करने आया हूँ कि इस बिल्डिंग का होगा क्या। मतलब जहाँ तक मैं 99% श्योर हूँ, इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग एकदम दोनों पिलर के बीच में है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट भी अगर छोटी होती तो शायद हो सकता है इसके ऊपर से जाता मेट्रो, जो फिर भी मेरे ख्याल से डेंजरस होता। तो लेकिन इसकी हाइट इतनी है कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं यही आया हूँ, यहाँ मैं एक बार यहाँ जो लोकल्स हैं मैं एक बार उनसे बात करूँगा, पूछूंगा कि क्या होगा इस बिल्डिंग का। क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग यहाँ पे काफ़ी डेमोलिश हुआ है ये वाला, और मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में कोई रहता है। इसमें लोग शायद रहते हैं नीचे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, सामने कोई बैठा भी है। सो मैं यही आया हूँ एक बार मालूम करने कि क्या होगा इस बिल्डिंग के साथ। इधर तो कोई है नहीं, मैं वही देख रहा हूँ अगर कोई लोकल, क्योंकि बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है काफ़ी। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो या तो आधा बिल्डिंग ओढ़ा जाएगा या पूरा, आई डोंट नो। ऊपर कोई, ऊपर फैन भी ऑन है, एक रूम में फैन भी ऑन है। तो मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पर कोई है कि नहीं है। सो गाइस, मैंने अभी एक लोकल से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि ये तो बेसिकली एक ऑफिस है मेट्रो का, ये मेट्रो ऑफिशियल्स का ऑफिस है। और मैंने आगे देखा तो आगे एक बोर्ड लगा हुआ है RVNL का। सो उन्होंने बोला कि मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, फ्रंट साइड में गेट भी है, तो आप जाकर एक बार, और जो बोर्ड है बोर्ड पे लिखा था RVNL। सो उन्होंने ने बोला मुझे कि आप एक बार जाकर पूछ लीजिए। तो मैं एक बार आगे जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे अगर कोई मिलता है तो पूछता हूँ मैं। सो गाइस, आप देख सकते हो ये वो बिल्डिंग है, वही वाली बिल्डिंग है, ये इसका फ्रंट साइड है, और यहाँ पे ये बोर्ड लगा है RVNL का। इस पे लिखा है रेल विकास निगम लिमिटेड कोलकाता प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। सो ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये रहा RVNL का। सो गाइस, मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी बिल्डिंग है, बट मैं एक बार अंदर जाके पूछता हूँ कि इस बिल्डिंग के साथ क्या होगा। देख सकते हो लिखा है साइड ऑफिस ऑफ RVNL एंड पैकेज स्वच्छ भारत अभियान न्यू गरिया एयरपोर्ट कॉरिडोर। हाँ गाइस, तो मैं अभी गया था और ऑफिशियल्स थे कुछ, तो उनसे मैंने पूछा, तो मैंने पूछा कि ये जो बिल्डिंग है ये दो पिलर के बीच में। सो उन्होंने बोला, और मैंने पूछा ये ऑफिस
आरबीएनएल का है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ऑफिस है आरबीएनएल का। और मैंने कहा कि क्या होगा इस बिल्डिंग का, तो बोले कि ये बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। और तोड़ा जाएगा तो मैंने पूछा कि कब होगा, सो दे टोल्ड कि अभी तक तो कुछ पता नहीं है, जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। सो बेसिकली क्या था कि ये बिल्डिंग पहले किसी और का था और जो लोग यहाँ पे रहते थे उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया मुआवजा और उनको मीन्स किसी और जगह मतलब कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। अब ये पूरा ऑफिस जो है पूरा बिल्डिंग है ये ले लिया है आरबीएनएल ने और उन्होंने यहाँ पे अपना उन्होंने बताया कि ऑफिस बनाया है और स्टोर बनाया हुआ है। स्टोर हो गया जैसे स्टेशनरी का हो गया और छोटा मोटा जो जो सामान है उसका है। सो उन्होंने बोला कि अभी तक तो कुछ मतलब कोई न्यूज़ नहीं आया कि बिल्डिंग कब तोड़ा जाएगा, बट दे सेड कि ये पूरा बिल्डिंग तोड़ा जाएगा। सो गाइस इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ये आया था और अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो बिल्डिंग है इसको इसका डेमोलिशन होगा। और एक्चुअली मैं ऑफिशियल से बात कर रहा था तो मैंने उसे मैं नहीं की रिकॉर्डिंग, बिकॉज फिर उनको लगता है आप क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये वो। सो मेरा आना यहाँ पे आज सफल हो गया एंड आई गेस देखिए 6 महीना साल भर में कभी बिल्डिंग तोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो लैंडलॉर्ड थे उनको भी पूरा मिल गया मुआवजा और जो लोग यहाँ रहते थे अगर उनके अपने फ्लैट थे तो उनको भी मिल गया मुआवजा। तो आप देख सकते हो इसीलिए ये वाली बिल्डिंग भी तोड़ी गई है और इसका भी आएगा नंबर जल्दी आएगा। आप देख सकते हो ये वॉल भी यहाँ पे तोड़ा गया है, ये भी यहाँ पे पूरा ब्रेक हुआ है इधर सब। सो गाइस मैं अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।